जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए। 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म पठान ने देश में अब तक रिलीज हुई फिल्मों में एडवांस बुकिंग के दौरान टिकटें बेच लेने का नया रिकॉर्ड बना दिया है। ये फिल्म देश में अब तक रिलीज हुई सारी फिल्मों में सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग टिकटें बेचने का फिल्म बाहुबली 2 हिंदी का रिकॉर्ड भी तोड़ चुकी है। मूल रूप से हिंदी में बनी फिल्मों में ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर की सर्वाधिक एडवांस बुकिंग टिकट बिक्री का आंकड़ा ये कब का पार कर चुकी है। 25 जनवरी को रिलीज हो रही फिल्म पठान तेलुगु और तमिल में भी रिलीज हो रही है और फिल्म के तेलुगु संस्करण की एडवांस बुकिंग टिकट बिक्री काफी अच्छी मानी जा रही है। वहीं रविवार रात तक मिले आंकड़ों के मुताबिक यशराज फिल्म्स की फिल्म पठान की एडवांस बुकिंग में 6,63,000 से ज्यादा टिकटें अब तक बिक चुकी हैं। यह किसी हिंदी फिल्म की रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग में बिकी ये अब तक की सबसे ज्यादा टिकटें हैं। वहीं इससे पहले ये रिकॉर्ड ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और वाणी कपूर की फिल्म वॉर के पास था, जिसने एडवांस बुकिंग में करीब 4,00,000 टिकटें बेचने में सफलता पाई थी। इतना ही नहीं, फिल्म पठान ने KGF 2 की एडवांस बुकिंग में 5.25 लाख टिकटें बेचने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। वही फिल्म पठान से आगे एडवांस बुकिंग टिकट बिक्री में अब कोई फिल्म नहीं है। हम आपको बता दें कि इससे पहले नंबर 1 पर फिल्म बाहुबली 2 रही है, जिसने रिलीज से पहले 6.50 लाख टिकटें बेची थी। वहीं पठान ने एडवांस बुकिंग में शनिवार से एकदम से रफ्तार पकड़ी है और टिकट बिक्री से हुई आमदनी को अगर जोड़ा जाए तो ये रकम करीब 20 करोड़ रुपए से ऊपर निकल चुकी है। और माना तो ये भी जा रहा है कि ये फिल्म रिलीज के पहले दिन शानदार ओपनिंग करेगी, क्योंकि ये फिल्म वीकेंड पर सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है और अब तक के आंकड़े बता रहे हैं कि फिल्म की ओपनिंग 40 से 50 करोड़ रुपए के बीच रहने वाली है। वहीं हम आपको ये भी बताते चले कि देश में अब तक हिंदी में रिलीज हुई फिल्मों में पहले दिन की कमाई का रिकॉर्ड अभी तक फिल्म KGF 2 के पास है, जिसने बीते साल 53.95 करोड़ रुपए की शानदार ओपनिंग ली थी। वहीं हिंदी में ही बनी फिल्मों में ये रिकॉर्ड फिल्म वॉर के पास है, जिसकी ओपनिंग 53.35 करोड़ रुपए रही है। वहीं वीकेंड पर रिलीज हुई फिल्मों के मामले में ये रिकॉर्ड फिल्म संजू के पास है, जिसने रिलीज के पहले दिन 34.19 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं फिल्म पठान की एडवांस बुकिंग को देखते हुए ये तय माना जा रहा है कि ये फिल्म रिलीज के पहले दिन बाहुबली 2 हिंदी का रिकॉर्ड जरूर तोड़ देगी, जिसने 41 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी। वैसे शाहरुख खान की इस आगामी फिल्म को लेकर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।